और जम्मू से बड़ी खबर है। आज जम्मू में आरएसएस की अहम बैठक है, कृष्ण गोपाल की क्यादत में बैठक होगी। बैठक में संघ परिवार की एक दर्जन से ज्यादा तंजीमें हिस्सा लेंगी। संघ परिवार की बैठक में बीजेपी लीडर्स भी शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा आज की इस मीटिंग में। तो जम्मू से बड़ी खबर है, जहां आज आरएसएस की अहम बैठक होने वाली है, कृष्ण गोपाल की क्यादत में यह अहम बैठक होगी। बैठक में संघ परिवार की एक दर्जन से ज्यादा तंजीमें हिस्सा लेंगी। इसके अलावा संघ परिवार की बैठक में बीजेपी लीडर्स भी शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और इस बैठक पर और जानकारी लेंगे, सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, आरएसएस की अहम बैठक आज जम्मू में होने वाली है, इस बैठक का एजेंडा क्या कुछ है, किन किन बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है? देखिए, जो सह सरकारवाहक है डॉक्टर कृष्ण गोपाल, तीसरे नंबर के हैं ये। अगर हम हायरार्की में देखें आरएसएस के, इनकी पोजीशन तीसरे नंबर पर है और जाहिर तौर पर एक पावरफुल लीडर है। और कल शाम को ही यहाँ जम्मू पहुंचे हैं, 2 बजे मीटिंग करने जा रहे हैं। समन्वय समिति की बैठक जो है ये 2 बजे शुरू होगी और 7 बजे तक चलती रहेगी। इसमें बीजेपी बीएचपी बजरंग दल जो इनके लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टोटल मिला के तकरीबन 12 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आरएसएस की यहाँ पे यहाँ जम्मू कश्मीर में उनकी शाखाएं जो हैं, उनकी 12 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जिस तरह मैंने कहा, इसमें सेवा भारती भी है, विद्या भारती जम्मू कश्मीर है, स्टडी सेंटर है, धर्म जागरण मंच है, और भी जो संस्थाएं हैं इनकी तकरीबन 12 है। और इनके साथ जो मीटिंग है, जो एजेंडा है, जो आपने कहा कि क्या एजेंडा है, जो मेन एजेंडा है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आरएसएस की, उनमें आपसी कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करवाना है, बढ़ाना है। आप इसी समन्वय, जिसको हम कहेंगे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई कॉल करती है, कोई और प्रोग्राम करती है, तो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोग भी उसमें शामिल हो, ताकि आरएसएस की जो विचारधारा है, आरएसएस का जो सोच है, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, उसको विस्तार किया जाए और घर घर तक जो पहुंचने का लक्ष्य है आरएसएस का, अपनी वेलफेयर स्कीम्स को, उनको पूरी तरह से ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करवाने के लिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी उनकी संस्थाएं हैं, वो आपस में काम करें, एक दूसरे के साथ वो समन्वय करके करें। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, ये उस वक्त मीटिंग हो रही है कि जबकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी में कई दिनों से ये चर्चाएं हैं कि यहाँ पे जो टॉप लीडरशिप है उसको बदला जा सकता है, जिसमें प्रेसिडेंट है, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है या बाकी है। हालांकि ये चर्चाएं सिर्फ जोरों पे पकड़ रही है और कई जगहों से ऐसी भी खबरें हैं कि बीजेपी में भी आपस में कोई ज्यादा बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है उनमें आपस में कोई डिफरेंसेस भी दिखे हैं, ऐसे भी चर्चा है। तो उस संदर्भ में उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। और दूसरा जो आगे की चुनौतियां हैं, चाहे वो अब लोकसभा के पोल्स हैं 24 के, उससे पहले म्यूनिसिपल पोल्स हैं, फिर पंचायत पोल्स भी इसी साल होने हैं, तो उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रहनी चाहिए, उसको और ज्यादा इस तरह से बीजेपी को मजबूत किया जाए हुरेरा, तो और जो बाकी जो पार्टियां हैं वो किस तरह से, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन, वो किस तरह से बीजेपी के इस मिशन को फायदा पहुंचाए, उनको मदद दे, उस पर भी विचार होगा, ताकि ओवरऑल जो है कि सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस की, वो उनके जो लीडरशिप जब बैठेंगे तो आपसी मेलजोल इस तरह बढ़े, कोऑर्डिनेशन किस तरह बढ़े। तो बिल्कुल समीर, आज आरएसएस की जो बैठक है काफी अहम है, और इस बैठक में जिस तरह से आपने बताया कि जमीनी सतह पर आरएसएस और उसकी दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन